हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करके आ चुके हैं, भोलेनाथ का पूजन करके आ चुके हैं और भोलेनाथ के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। तो आज तो हम जल्दी चले गए थे, 10 बजे के बाद, 10 के बाद तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, मतलब उस समय ना पूजन ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग पूजन बहुत ही अच्छे से करी आए। और अब हमारी बन रही है यहाँ पे चाय, तो अभी हम लोग पियेंगे चाय। तो गर्मा गर्म चाय है तैयार, ये लीजिए। आप सबको धन्यवाद धन्यवाद। शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी नहीं ली मैंने, मैं भूल गई। तो ऐसे बुलकड़ा है आपकी नेचुरल पूजा। अब ऐसा देते हैं आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ये मेरा स्वीट सा बेटा है, अभी आया है सोके। आज आपको बता दूं, नेचुरल पूजा का बर्थडे भी है और इनको मैं तो खैर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सबसे पहले उन्होंने दी थी मुझे। और सबसे पहले मैंने शुभकामनाएं दे दी थी, लेकिन आपके सामने भी इनको मुबारकबाद दे देता हूँ, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 डेट। जितना भी जियो बस हम दोनों साथ में रहे, भगवान से यही दुआ है मेरी तो आज भोलेनाथ से, जितना भी भगवान ने जीवन दिया है तो हम दोनों का साथ में निकले। तो वैसे देखो कितनी खुशकिस्मत है ये, भोले बाबा को काफी मानती है और भोले बाबा इनकी इसकी काफी मनोकामना पूरी करते हैं। और आज भोले बाबा की महाशिवरात्रि, जिसे कहेंगे महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है, और इस दिन भोले बाबा की शादी हुई थी। आज हमारी मैडम की शादी तो नहीं, लेकिन हाँ जन्म हुआ था आज के दिन। तो देखो ये विडम्बना है, और देखो भगवान भी कितने खुश हैं और ये भी कितने खुश है। बोल रही थी जिस दिन मेरा बर्थडे है उसी दिन महाशिवरात्रि है, तो मुझे बड़ी खुशी है। तो मैंने कहा फिर उस दिन कुछ खाओगे पियोगे तो केक तो कटेगा नहीं, तो कह रही कोई बात नहीं केक नहीं कटेगा, भोले बाबा की शादी हुई थी उस दिन मेरा जन्मदिन है, तो इससे कम बड़े सरप्राइज और क्या है कि नहीं। तो अब चाय पीते हैं, ओके, और मिलते हैं आप सभी से चाय पीने के बाद। ठीक है, ज्यादा मीठा तो नहीं। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑफिस जाओगे? ऑफिस तो जाना है। तो इन सबको मैंने खाना खिला दिया, सब लोगों ने खाना खा लिया, सब ने मतलब दोनों बच्चों ने और मम्मी ने। अब मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही थी, तो हम लोग भी खा लेते हैं। अभी जो टाइम हुआ है करीबन 1 बजे का टाइम है और कुछ खाने का टाइम हो भी गया है। आज मैंने वैसा कुछ नहीं बनाया, बनाऊंगी मैं नाइट में जब हम डिनर करेंगे ना, मतलब सबको डिनर करा दूंगी, उसके बाद मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी कुछ बनाऊंगी, तो इसलिए। और ये हैं ग्रेप्स, तो चलिए खाते हैं। ये ऑफिस जाने वाले थे लेकिन अब नहीं जा रहे, कोई तुम ही ले लो। और क्या, और थोड़ी शांति मिली नहीं मिली खाके? शांति पेट में थोड़ी सी शांति मिली नहीं मिली? मेरे को तो पूजा मिली हुई है तो शांति कैसे होता है? थोड़ी शांति मिली नहीं मिली, आप पता नहीं कोई शांति की बात कर रहे हैं। देखो पकौड़े बनाओ, क्या पकौड़े बना देना, पकौड़े बना देना, कुट्टी काट के। ठीक है चलो। देखो ऐसा है ना, बार बार खाते रहेंगे तो अच्छी आदत नहीं होती है। एक बार खा लिया फिर लास्ट हल्का सा नहीं, बार बार नहीं। अब हमने खा लिया, अब हमने खाए फ्रूट्स एक जगह बैठ के, 1 बज रहा है अभी, और अब तो बस शाम को सोने के टाइम, मतलब 8 या 8:30 बजे करीब, तब मैं बता दूंगी पकौड़े, एक बार पकौड़े खाएंगे और दूध पी लेंगे बस। अभी जो टाइम हुआ है ना, बजे हैं 5। अभी मैं क्या कर रही थी, नेचुरल पूजा चैनल के लिए मैंने एक वीडियो कंप्लीट किया है, कंप्लीट हो चुका है, बस उसकी एडिटिंग करनी है, और उसमें कम से कम मुझे 1 घंटा लगेगा एडिटिंग करने में। उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में,
और किचन में जाके क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे खाना बनाना है बच्चों के लिए और मम्मी के लिए, उसके बाद थोड़ी सी अपने लिए कुछ बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड ने भी आज फास्ट रखा है ना, तो इसलिए बर्थडे है तो मैं चक्कू लेके खड़ा हूँ मर्डर करने, नहीं पनीर काटने, कैसे करना है छोटे छोटे पीसेस करो। अब पता नहीं मैडम देखो कौन सा पनीर बनाएंगी, मटर पनीर बना रही है मैडम। तो उन सब की सब्जी मैंने अलग बना के रख दी। अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए पकोड़े। तो देखिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया है कुट्टी का आटा, इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर और व्रत वाला जो नमक आता है उसको डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। डालने के बाद अब पानी डाल के मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेती हूँ, जैसे कि हम आलू और बेसन के पकौड़े बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से मैं इसके भी पकौड़े बनाती हूँ। और इसके जो ये देखिए यहाँ पे मैंने आलुओं को कट करके पानी में डाल के रखा हुआ है जिससे वो काले नहीं पड़े, और आलुओं को धो के साफ करके मैंने इसी के अंदर डाल दिया। और जो ये घोल है ना इसकी कंसिस्टेंसी मैं थोड़ी सी पतली ही रखती हूँ क्योंकि हम लोगों को ना एकदम करारे करारे पकोड़े होते हैं ना वो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा तेल है गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिए एक एक करके इस तरीके से पकोड़े, और सच में बहुत ही ज़्यादा करारे पकोड़े बने थे। और पहले मैं हाई फ्लेम पर गैस को तेज़ गर्म कर लेती हूँ तेल को, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे पकोड़े बन चुके हैं। तो भुजन ने हमारा खाना बना दिया है, और ये है कुट्टी के आटे के जो है बनाया है इसने, आलू इसमें है, और आप भी खाइए और हम भी खाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आज पूजा का बर्थडे है तो मैं कहा चला पूजा को अपने हाथों से खिला देता हूँ। केक काटने की मना कर रहे हैं, कह रहे केक नहीं काटेंगे क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। मैं भैया बड़ा तो कभी कोई नहीं होता, सबके अंदर एक मन के अंदर बच्चा होना चाहिए, बचपना, बच्चा होगा तभी तो बचपना होगा। कोई तुमसे कहे ना तुम बड़े हो गए, बोलना हम कोई बड़े नहीं हुए, ठीक है। अब आ रही होगी मेरी दांत बज रहे हैं, दांत बजते हुए पंकड़ आ गया था एक करा रहे मेरे बज रहे हैं, देखो जरा मेरे बज रहे हैं देखो तेरे तो सुनाई देगा इनसे दूसरे का सुनाई देगा। अच्छा शिवरात्रि का व्रत तो आप भी रखते होंगे, तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप भी ये सब खाते हो कि नहीं खाते, जैसे कि कुट्टी के आटे के पकोड़े, कोई इसकी पूड़ियाँ बना लेता है और सिंघाड़े के आटे के गाजर हलवा बना लेता हूँ, गाजर का हलवा भी बनता है लेकिन मैंने इस बार नहीं बनाया क्योंकि मीठा खाने की इच्छा नहीं थी इसलिए। तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना कि आप इस व्रत में ये सब खाते हो कि नहीं खाते। दही बड़ी अच्छी भाई, पकौड़े कैसे हैं? दही बहुत अच्छी। सारे खा जाएंगे एक एक करके, फिर और पूछेंगे और हैं और 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 ये भी बोलते जाएंगे कि अच्छे नहीं लग रहे, इनकी आदत है ये खाना और नाक चढ़ाना, नहीं खाना और घुराना। अच्छे हैं लेकिन मजाक कर रहा हूँ, ये भी अच्छे हैं बेटा और चाहिए लो। अभी खाना खाया मेरे बेटे ने लेकिन इसका दिल कर रहा है खाने का, पकौड़े खाने का। तो सब लोगों ने खाना खा लिया, लास्ट में बचा मेरा विशेष, अभी इसने खाना खाया है। तो अभी ये जिम से आया था, हो गया टाइम एक घंटा करीबन, तो पहले इसने शेक पिया उसके बाद अभी इसने खाना खाया है। और कल तुमने बोला था ना कि मैं थोड़ी सी डाइट प्लानिंग कर रहा हूँ,
तो किसी ने तुमसे पूछा है कि तुम क्या खाते हो मुझे भी बताना, मैं भी थोड़ी सी डाइट पे हूँ, तो क्या कहना चाहोगे? डाइट प्लानिंग, अच्छा थोड़ा तेज बोलो। सुबह मैं खाता हूँ बर्गर, दोपहर को मैं खाता हूँ पिज्ज़ा, और शाम को कॉफ़ी पी के सो जाता हूँ। तभी मजा के मूड में तो किसी दिन बताएगा, है ना, काम से फ्री। अब बारी है इनसे गिफ्ट लेने की, तो आपके सामने देंगे। लाइए मेरा गिफ्ट। क्या हुआ? ये मुंह बन गया देंगे, क्योंकि ये मैंने अचानक बोला इसे, इनको लगा कि आज गिफ्ट तो मांगेगी नहीं, क्योंकि आज जो बर्थडे था, आज व्रत था हमारा, तो सेलिब्रेट हुआ नहीं, केक कटा दी, तो इससे भी मैं बचा। इनको ये नहीं पता केक कटे ना कटे, लेकिन मुझे गिफ्ट जरूर चाहिए। मेरा गिफ्ट, ये लो आपका गिफ्ट, मैं ही आपके लिए गिफ्ट, ये आपको गिफ्ट चाहिए, आप ये ले लो। अंधा कानून बना दिया। और गिफ्ट मैंने इसको दे दिया है, सच्चाई बताऊं तो, लेकिन अभी आपसे, अभी आपके सामने उसको मतलब दिखाया नहीं है, और बहुत जल्दी ही वो आपको देखने को मिलेगा। और मतलब ठाकुर जी महाराज की कृपा से, और बंसी वाले की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से, और मैंने इसको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं ये खुद बताएगी और समझ भी रही होगी, और आप लोगों को दिखाई भी कि मैंने ऐसा कौन सा गिफ्ट दिया है। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ दे रखा है, मैं सोच रही हूँ कौन से वाले गिफ्ट की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा। अच्छा अच्छा सुनिए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, लेकिन और ये आप लोगों को दिखाएगी, बताएगी भी कुछ टाइम के बाद। और कितना बड़ा गिफ्ट दिया है, देखो गिफ्ट लेके भूल जाते हैं कोई, ये जरूरी थोड़ी कि जिस दिन बर्थडे उसी दिन गिफ्ट, तो आगे भी दे सकते हो, पीछे भी दे सकते हो। मैं मानता हूँ चलो जिस दिन बर्थडे है उस दिन गिफ्ट देना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने इसको पहले गिफ्ट दे दिया है, दिया है और... मैंने इसको जस्ट अभी 4-5 दिन पहले गिफ्ट दे दिया इसको। आप टाइम आने पर आपको भी पता चलेगा कि क्या दिया है, और आप सब सबके लिए सरप्राइज होगा, बहुत बड़ा सरप्राइज। देखा मान गई ना, देखा मान गई ना, वो तो मेरे दिमाग में नहीं था। दिमाग में क्या नहीं था? दिमाग ही नहीं है तो दिमाग में होगा क्या? दिमाग ही नहीं इसमें। मैं लेके भूल जाती हूँ। लेके भूल जाते, देख लो। चलिए कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा निकला। ये बार बार दोस्तों बहुत से लोग मेरे कमेंट्स करते हैं, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, यार इतनी बार वीडियो में बता दिया, आप हर बार बताया करो कि मैं ये जॉब करता हूँ। मैं नहीं, आप ये बोला करो हर बार कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं ये जॉब करता हूँ, ठीक है, तो कोई कमेंट नहीं करेगा फिर। दोस्तों मैंने कई वीडियो, एक दो कम से कम नहीं तो दो वीडियो बता रखा है ऑलरेडी, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते तो इसमें मेरी गलती नहीं है। और फिर जो लोग देखते हैं वो ये कहेंगे कि भैया बार बार बात बता देते हो, तो अब कमेंट्स करते हैं तो फिर मेरे को लगता है यार ये ब्लॉग देखते नहीं है, इसका मतलब पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से देखते नहीं है। एक्चुअली मैं सर्विस करता हूँ, और मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ, जो दिल्ली वाले हैं और मुंबई वाले समझ जाएंगे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में। तो मैं सर्विस करता हूँ एज ए LDC UDC, और पहले LDC था, अब UDC हूँ। तो अब इसी उसमें मैं बात करते हुए, मैंने कितनी बार बता दिया आप लोगों को, पहले मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ये और बता दूं मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ, और अभी मैं, अभी तक मेरा जो वर्क था वो पैसे रिलेटिव वर्क था, तो उनका सर्विस रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रखना, प्रमोशन वगैरह है उनकी, छुट्टियों का, ये सब मेरा था। अभी जस्ट अभी मेरा एक 2-3 महीने पहले ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए मैं काउंटर पे बैठता हूँ एज ए कैशियर, तो अब वही मेरा वर्क है। अभी 3 महीने पहले मेरा ट्रांसफर हो गया है। मैं इनसे बोलूंगी कि हर व्लॉग में रिपीट किया करो कि अब क्या जॉब करते हो, कोई पूछेगा ही नहीं, सबको पता चल जाएगा ये वाली जॉब करते हैं। तो चलिए अब आप एंड कर दीजिए। तो दोस्तों कर दूँ ना, मजाक मत करियो। तो दोस्तों आज बड़ी खुशी की बात आज है, मजाक और, की में नहीं हूं। और आज महादेव जी और पार्वती का मिलन हुआ था, और उस दिन शादी हुई थी, तो मैं इसी के साथ ब्लॉग का अंत करूंगा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।